अमरूद, लेकिन ये नीचे कैसे गिर गया? ओ तोता है। बहुत मीठा है, वाह। अरे वाह, पेड़ पर तो ढेर सारे अमरूद हैं। लेकिन पता नहीं तोता मुझे रोज एक अमरूद ही क्यों देता है। कल उससे कहूंगा कि मुझे और अमरूद दो, सारे अमरूद दे दो, मैं सब खा जाऊंगा। फिर मुझे यहाँ रोज रोज आना नहीं पड़ेगा, रोज आकर थक जाता हूँ। मैं आज वहाँ जल्दी पहुँच जाता हूँ। तोताराम, लेकिन आज तुम मुझे सारे अमरूद एक साथ दे दो ना। हेलो, मेरी बात सुन रहे हो ना? मुझे सारे अमरूद चाहिए। मुझे सारे अमरूद दे दो। गोभी, ये तुमने क्या किया? तुमने तोते को डरा दिया। तुम क्या कह रहे हो? अब मुझे खाने के लिए मीठे अमरूद कौन देगा? ये तो तुम्हें पहले सोचना था। अब रोना बंद करो गोभी। वायु अंकल, ओ वायु अंकल, आप कहाँ हो? अरे गोभी, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? किसने तुम्हें मारा है क्या? हेलो वायु। हेलो पीट, तुम बताओ क्या बात है? वायु, जानते हो गोभी ने क्या किया है? अच्छा, तो तुम बतख से सारे सोने के अंडे एक बार में ही ले लेना चाहते थे। बतख से? हाँ, वो बतख जो सोने के अंडे देती थी। सोने के अंडे? हाँ, वो केविन के फार्म में रहती थी। केविन, ओ वायु, हमें पूरी कहानी सुनाओ ना। हाँ प्लीज। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। एक दिन हमेशा की तरह केविन अपने फार्म पर बतख के अंडे जमा करने गया। ये क्या है? ये तो बहुत भारी लग रहा है, जरूर किसी ने मजाक किया है। ठीक है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। वहां इसे अच्छी तरह से देखकर फैसला करूंगा कि इसके साथ क्या करना चाहिए। हाथ में क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये तो बिल्कुल सोने का अंडा लगता है। ये तो मुझे अपने फार्म में। क्या, सोने का अंडा? ये सोने का अंडा है? सचमुच, शुद्ध सोने का। और इस अंडे से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। केविन ने अंडा बेच दिया और उसे ढेर सारा पैसा मिला। हर रोज बतख सोने का अंडा देती थी और वो उसे बेचकर पैसे कमा रहा था। जल्दी ही वो बहुत अमीर आदमी बन गया। केविन, माय डियर केविन, काश हमारे पास और पैसा होता तो हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुके होते। जमींदार के पास बहुत बड़ा घर है और उसके पास जमीन भी है। फिर हमें ढेर सारे पैसे कमाने के लिए और मेहनत भी नहीं करनी होगी, जैसे वो नहीं करता। ओ रीता, मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी ही ऐसा होगा। देखो, ऐसा है कि हमारी वो बत्तख रोज सिर्फ एक ही अंडा देती है ना?
इसलिए हमें पूरी तरह से अमीर बनने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। मैं ये सोच रही थी कि हम सारे अंडे एक बार में ही क्यों न ले लें। हमें ये तो मालूम ही है कि बतख के पेट में ढेर सारे अंडे हैं। सही कहा, ये बहुत अच्छा सुझाव है रीता। हम उस बतख का पेट काट कर सारे के सारे अंडे अभी निकाल लेते हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी बतख को लेकर आता हूँ। फिर केविन बतख को ले आया और उसको मार डाला। लेकिन जानते हो, उसे उसके पेट में कुछ भी नहीं मिला। देखा, अपनी लालच की वजह से उसने उस बतख को ही मार डाला जो उसे गांव का क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती थी। ये मैंने क्या कर दिया, मेरी बतख, मेरी सोने के अंडे देने वाली बतख मर गई। तो समझ गए, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। ये कहानी तो बहुत ही अच्छी थी वायु। हाँ, मैं सब समझ गया। मैं भी केविन की तरह लालची बन गया था। आई एम सॉरी वायु। थैंक यू वायु। चलो, कुछ तो सीख लिया है। अच्छा, अब मैं चलना चाहूंगा। जल्दी ही हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों।